निर्दोष टेक ऑनको की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपने मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप ऐसे ही मोहब्बत आगे भी बनाए रखिएगा। दोस्तों, मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव ही यही है कि हम अपने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी हेल्प कर सकें। और यहाँ पर आपने मेरा साथ बहुत ही बाखूबी दिया है और बहुत सपोर्ट किया है, और लोगों के साथ इस बीमारी को आप सब ने मिलकर के शेयर भी किया है कि हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस चैनल पे ऐसे ही बने रहेंगे और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहेंगे। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस पे मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा विजन है कि मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों के पास पहुँचूँ जो कैंसर का इलाज नहीं करा सकते हैं। अभी मैं इस पे विचार कर रहा हूँ और अपने मन को तैयार कर रहा हूँ कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकूँ जो अपने इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कुछ प्लानिंग चल रही है कि मैं इस प्लानिंग को कैसे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उनकी हेल्प करें, हम और आप मिल करके। दोस्तों, जब मैं इस चीज़ को अच्छे से प्लान कर लूँगा तो आप सबके साथ एक बार फिर से डिस्कस करूँगा और आप मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारे इंडिया के अंदर इतने बुरी तरीके से पैर पसार चुकी है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं होती कैंसर की ओपीडी में। प्राइवेट सेक्टर में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि हर किसी के लिमिट से बाहर है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, ये स्थिति है, मौजूदा स्थिति हमारे इंडिया के अंदर, कि हम कैंसर का इलाज चाहते हुए भी कई बार करा नहीं सकते हैं, और करा सकते हैं तो हमारे पास कैंसर के सेटअप्स इतने कम हैं कि उधर वेटिंग बहुत ज़्यादा है। लोग 6-6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके इलाज का नंबर आएगा। दोस्तों, इस विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, बहुत सारे विचार विमर्श कर रखे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकूं। अगर आपका प्यार यूं ही मिलता रहा तो मैं एक दिन अपने सपने को, इस विजन को ज़रूर पूरा कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। नमस्ते, जय हिंद।